بسم الله الرحمن الرحيم

और हम मुसलमानों के लिए दुनिया और आखरत की बेहतरीन रहनुमाई का इंतज़ाम भी फरमा दिया है अब जिस किसी ने इस दीन को मजबूती से थाम लिया वो अपने दिल को रोशन कर लेगा अल्लाह ताला उसके दिल को रोशन कर देंगे और अल्लाह ताला उसे अपने क़रीब कर लेंगे और जिस किसी ने इस जिम्मेदारी के हवाले से कोताही का मुज़ाहरा किया यानी दीन को अपनाने में कोताही का मुजाहरा किया इस पर अमल करने में कोताही का मुजाहरा किया यकीनन उसे अपनी नाफ़रमानियों अपने गुनाहों और अपनी बदआमालियों की सज़ा अल्लाह इज़्ज़त से ज़रूर मिलेगी यहाँ यह हकीकत भी हम सब को जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह रबुल्ज़त अताात गुजारी और फर्मा बरदारी को महबूब रखते हैं अल्लाह ताला को इस बात से मोहब्बत है कि अल्लाह के बंदे उसकी अताात गुजारी और फर्मा बरदारी करें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यह भी पसंद है बल्कि महबूब है कि उसके बंदे आपस में एक दूसरे को अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की और अताात गुजारी की याद दहानी कराते रहें इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बात सख्त नापसंद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात से नफरत करते हैं कि उनकी नाफ़रमानी की जाए या जो नाफरमानी करने वाले हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंतहाई बुरे लगते हैं उन पर अल्लाह का गजब होता है और फिर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमा बरदारी के रास्ते से दूसरों को रोकते हैं यानी उन्हें अल्लाह तला की फ़रमा बरदारी नहीं करने देते उनसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत बोज़ है और ये बहुत ख़तरनाक हकीकत है कि बजाय इसके कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत आन करें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बोस को और उसके गज़ब को दावत दें बल्कि हमें अपनी शरीयत के मुताले से ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस वक्त बहुत गैरत आती है जब अल्लाह इज़्ज़त के बंदे उसकी अताद गुजारी की बजाय वो काम करते हैं जिनके करने से उसने रोका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी गैरत आती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात पर गैरत आती है कि साहिब ईमान कोई ऐसा काम करे जिससे अल्लाह ताला ने रोका है इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है फिर ये जो गुनाह इंसानों से होते हैं और ये जो अल्लाह इज़्ज़त की नाफरमानियाँ होती हैं इनका असर हमारे जिस्म पर और हमारी जिंदगियों में ऐसा ही होता है जैसे जहर जहर का असर हमारे बदन में होता है तो आप देखिए कि जहर किस कदर हमारे बदन को नुकसान पहुंचाता है हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है बिल्कुल इसी तरह से ये गुना हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं हमारे माहौल को भी जहरीला और जहर आलूद कर देते हैं ये जो अल्लाह इज़्ज़त की मुख्तलिफ़ नाफ़रमानियाँ हैं और मख्तलिफ़ ग हैं इनकी कैटेगरीज़ हैं इनकी किस्में हैं कुछ गुनाह और नाफरमानियां ऐसी हैं जो अल्लाह इज्जत की करने की वजह से एक मुसलमान को ईमान के दर्जे से गिराकर उसे इस्लाम के दर्जे पर ले जाती हैं यानी हमारे ईमान का सफर इस तरह से शुरू होता है कि सबसे पहला मुकाम या स्टेशन इस्लाम का होता है फिर ईमान में तरक्की होती है इजाफा होता है पुख्तगी आती है हुसन पैदा होता है तो मुसलमान इस्लाम के मुकाम से ईमान के मुक़ाम की तरफ तरक्की करता हुआ या सफ़र करता हुआ पहुंच जाता है लेकिन फिर उससे चंद गुनाह ऐसे सरजद हो जाते हैं कि जिसके नतीजे में वो ईमान का मर्तबा उसे छोड़ना पड़ता है और वो वापस इस्लाम के मुकाम पर पहुंच जाता है तो ये उसकी तरक् माकूस होती है जबकि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो उसे इस्लाम के दर्जे से भी खारिज कर देते हैं तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर यह फ़ज़ल किया है कि उन्हें बहुत सारे ऐसे आमाल करने की ताक़ीद की है कि जो करने में बहुत आसान हैं लेकिन उनका सवाब बहुत ज़्यादा है इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और फजल अपने बंदों पर यह किया है कि अल्लाह तला ने हमें ऐसे गुनाहों के बारे में कर कर दी है आगाह कर दिया है आगाह दिया कि जो बहुत आसानी के साथ बहुत कम वक्त में बगैर किसी ज्यादा के हो जाते हैं लेकिन उनकी सजा बहुत सख्त है और अक्लमंद इंसान वो होता है जो अंजाम पे नजर रखता है जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक हदीस में फरमाते हैं कि इंसानों को ओंधे मुंह जहन्नुम में इसलिए फेंका जाएगा कि उन्होंने अपनी ज़बानों से ऐसी बातें की होंगी ऐसे अल्फाज निकाले होंगे जिससे वो इस सज़ा के मुस्तक ठहरे होंगे तो चंद अल्फाज जिसके नतीजे में जहन्नुम में ओंधे मुंह फेंका जाएगा यानी ये ज़्यादा तकलीफ़ दे है और इसमें तकलीफ़ का एक पहलू ये भी है कि ये उनकी एक तरह से रसवाई या इंसल्ट होगी तो ये भी एक अजियत होती है कि किसी को इंसल्ट किया जाए या उसको टॉर्चर किया जाए और इस हवाले से देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जबान से अल्लाह इज़्ज़त की कुछ ऐसी नाफरमानियाँ होती हैं जो इंतहाई खतरनाक हैं और बहुत कम वक्त में बहुत कम मुशक्क़्क़्कत के साथ हो जाती हैं मिसाल के तौर पर अल्लाह इज़्ज़त के साथ किसी और को पुकारना अल्लाह रब्ज़त के अलावा किसी और से मांगना अल्लाह रबुल्ज़त के अलावा किसी और के सामने अपनी हाजतें रखना चाहे वो मुर्दा शख्सियात हों मुर्दा हस्तियाँ हों या बुद्ध हों या कोई और शक्ल हो इस गलती के नतीजे में इस अजीम नाफरमानी के नतीजे में किसी भी मुसलमान के तमाम आमाल तबाह और बर्बाद हो जाते हैं और फिर हमें शरीयत के मुाले से पता चलता है कि इस ग़लती के नतीजे में ऐसा शख्स हमेशा के लिए आग में डाल दिया जाएगा क्योंकि ये शिरक है और फिर अगला नुकसान उसे ये होगा कि वो जो कुछ मांग रहा था उसे वो भी नहीं मिलेगा तो दुनिया और आखरत के खसारे उसके हिस्से में आएंगे और इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अहकाफ़ की आयत नंबर पांच में फरमाया है वन يستجيب له मल्लास يوم अल्क़ियामती और उस शख्स से बढ़कर ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारता है किसी और के सामने दस्ते दुआ दराज करता है किसी और से मांगता है और ऐसी हस्ती से मांगता है Allah के अलावा किसी ऐसी हस्ती को पुकारता है या हस्तियों को पुकारता है जो तक उसे कोई जवाब देने की ताकत या हिम्मत या कुदरत नहीं रखती अन गाफिलून। हद ये है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनसे कौन क्या मांग रहा है इसी तरह से देखिए दूसरे नंबर पर जबान से होने वाली एक और अजीम नाफरमानी जिसकी सजा हमारी शरीय में बहुत सख्त अल्लाह रबुल्जत ने रखी है वो ये है कि अल्लाह रबुल्जत के, रबु के हवाले से बेअदबी और गुस्ताखी पर मबनी अल्फाज जबान से निकालना या अल्लाह रबुल्जत के दीन के हवाले से गुस्ताखाना गुफ्तू करना बेअदबी वाली बातें करना मजाक उड़ाना या हजूर अक्रम सल वसम के हवाले से ऐसी बेअदबी वाले अल्फाज अपनी जबान से अदा करना जो

कुल इनसे कह दीजिए अबिल्ला ही व आयात ही व रसूल ही कुन तुम तस्तून तुम्हारे मजाक के लिए क्या अल्लाह और उसकी आयात और उसका पैगम्बर ही मौजू रह गया है यानी तुमने इनके हवाले से आपस में मजाक करने हैं ला जीरो अब तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं की जाएगी कदकफर तुम इस तरह की बेअदबी और गुस्ताखाना और मजाया गुफ्तू की वजह से तुम काफिर हो गए हो बदा ईमान कुम ईमान लाने के बाद इस हवाले से शेख अब्दुलरमान इब्ने हसन रह कहते हैं कि बाज़ बाज़ात इंसान ज़बान से कोई एक लफ्स ऐसा निकाल लेता है कि जिसके नतीजे में उसके सारे आमाल ज़ाया हो जाते हैं और उस शख़्स से ज़्यादा खसारे वाला कोई इंसान नहीं हो सकता कि जिसके सारे आमाल ज़ाया हो जाते हों और हकीकत बात यह है कि जबान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल और दिमाग की हिफाजत करें क्योंकि जबान से वही अल्फ अदा होते हैं जो दिल में पैदा होते हैं या दिमाग में पैदा होते हैं और इस हवाले से हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है वो ये कि हम कभी भी अहल इल्मन का मजाक ना उड़ाएँ जो लोग दीन का इल्म सीख रहे हैं या सिखाते हैं उनका मजाक ना उड़ाया जाए दीन की तलीमत का मजाक ना उड़ाया जाए और अल्लाह और उसके पैगम्बर हजूर अक्रम स बल्कि दीगर अम्बिया के हवाले से भी कोई ऐसी बात जबान से ना निकाली जाए चाहे वो मजाक ही में क्यों ना हो जो उनकी बेअबी के मुतरदफ़ होती है ज़रा तसवर कीजिए कि अल्लाह रबुल्ज़त ने अपनी किताब में अम्बिया का तस्करा कितने खूबसूरत अल्फ में किया हैज़रत इब्राहिम के लिए अल्लाह ने कितने प्यारे अल्फाज का चुनाव किया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने प्यारे और अदब वाले अंदाज से मुखातिब किया हैज़रत मूसा आल सलाम का जिक्र आता है तो कितनी तज़ीम के साथ अल्लाह ताला उनका जिक्र बयान करते हैं सलाम का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला उनकी कितनी तारीफ बयान करते हैं तो जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों की अपने प्यारों की इस कदर खूबसूरत और साफ सुथरी ज़बान में जिक्र किया है तो फिर हमें यह हक नहीं पहुँचता कि हम दीन के हवाले से अल्लाह रब्लाज़्ज़त के हवाले से उसके अम्बिया के हवाले से कोई ऐसा लफ्ज़ ज़बान से निकालें चाहे वो हंसी मजाक में ही क्यों ना हो जो बेअदबी और गुस्ताखी के जुमरे में आता हो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि असल में जबान की हिफाजत के लिए हमें दिल की हिफाजत की जरूरत है और दिल में अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताजीम है तो इस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और की ताजीम या एहतराम नहीं होना चाहिए और फिर इसी तरह से अगर किसी ने अल्लाह इज़्ज़त के अलावा किसी और की ताज़ीम का इजहार मिसाल के तौर पर कसम खाकर किया मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम की नाम की कसम खाता है या अल्लाह तला की अदा करदा नमतों में से किसी नेमत का नाम लेकर कसम खाता है या अपने बच्चे मुझे मेरे बच्चों की कसम तो ये भी शिरक़ की एक शक्ल हैजूर अक्रम स और जाहिर है कि यह अमल मना हैजूर अक्रम सलीलसम इस हवाले से फरमाते हैं मनहल फब्ला जिस किसी ने अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से हल्फ उठाया फ़कद के नाम से जाए। इसके अगर किसी और के नाम से उठाई जाती है तो ये अल्लाह रबुल्जत को सख्त नापसंद है और ये शिरक के जुमरे में आता है और फिर जबान से इस तरह के कसम उठाए जाने का मतलब यह है कि ऐसा शख्स दिल में अल्लाह के अलावा किसी और से मोहब्बत रखता है या अल्लाह के अलावा किसी और की ताज़ीम करता है इसी तरह से अहले इल्म का यह कहना है कि अगर किसी भी शख्स से शर्क पर मबनी अफ़ाल का इरतक होता है चाहे वो मामूली मामूली से फाल ही हों मिसाल के तौर पर कब्रों का तवाफ़ करना या नज़रें चढ़ाना या किसी हस्ती के नाम पर नज़र न्याज देना या जानवर ज़बह करना ऐसे शख्स के बारे में हमारी शरीयत का ये फ़ैसला है अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त का ये फ़ैसला है कि ऐसे शख़्स तक जन्नत की खुशबू भी नहीं पहुँचेगी चूंकि ऐसे शख़्स ने बहुत बड़ी गलती का और ऐसे काम का इरतकब किया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है अल्लाह ताला की रुबूबियत का इनकार कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत का इनकार कर दिया लिहाज़ा अब अल्लाह उसे किसी भी हाल में माफ़ नहीं करेंगे सूरत नसा की आयत नंबर फोर्टी एट में रब्बुल रब्ज़्त का अर्शाद है युशर कभी ही व دون मादू नजाल कलीमयशा बेशक अल्लाह इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ अगर किसी ने शरीक ठहराया इसके अलावा जो गुनाह हैं वो फिर भी माफ़ हो सकते हैं जिसके लिए वो चाहे इसी तरह से देखिए जादूगर दीन और दुनिया में खराबी पैदा करने का बायस बनता है क्योंकि जादूगर ज़बान हाल से यह कह रहा होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत में शरीक है और वो जिसे चाहे अल्लाह ताला की तरह नफा पहुंचा सकता है और जिसे चाहे नुकसान पहुंचा सकता है और हम सब जानते हैं कि ये खासियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह इज़्ज़त ही को हासिल है हर तरह का नफा का इख्तियार और हर तरह के नुकसान पहुंचाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त के हाथ में है लिहाजा हमारी शरीयत में जादूगर की यह सजा तजवीज की गई है कि उसे तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाए और जो शख्स जादूगर के पास जादू कराने के लिए आएगा वो भी काफिर हो जाएगा हजूर अक्रम सल्हसम सवाले से फरमाते हैं लई समन्ना सहारा हम में से वो नहीं हम में से वो शख्स नहीं यानी दायरा ईमान से खारिज है दायरा इस्लाम से खारिज हो गया जिसने जादू किया अब या जिसके लिए जादू किया गया तो जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों से अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने बरात का इजहार कर दिया है क्या बिन का मेरे दीन से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और ऐसा शख्स काफिर है इसी तरह से देखिए तावीज़ लटकाना भी अल्लाह रब्बुल रबुल्जत के साथ शिरक करना है और तावीज़ के नतीजे में हमारी शरीयत तजवीज़ करती है कि बंदे की कमज़ोरी में ही इजाफा होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुराद को कभी पूरा नहीं होने देंगे क्योंकि अल्लाह तला को यह बात पसंद नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर किसी तावीज़ के ऊपर भरोसा किया जाए या जादूगर पर भरोसा किया जाए या जादूगर से उम्मीद लगाई जाए उम्मीद हमारी सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए फिर इसी तरह से देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ैब के इल्म को सबसे छुपा कर रखा हुआ है हत्ता के अपने मुकर्रब तरीन फरिश्तों को भी गैब का इल्म इल्मता नहीं किया सूरत नमल की आयत नंबर सिक्सटी फाइव में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है अल्लाह याम उमनफमावती वरदिल गईबाल्ला इनसे कह दीजिए आसमानों और ज़मीन में जो भी गैब है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता अब अगर किसी ने किसी काहिन या नजोमी की तस्दीक की मुस्तबिल की पेशीन गोईयाँ करने वालों की तस्दीक की मिसाल के तौर पर जो लोग ये दावा करते हैं कि वो बुरजों का मुताया करके आपको मुस्तबिल की बातें बता सकते हैं इनफरादी तौर पर आपके मुस्तबिल की बातें भी या ओवरऑल पूरे मुल्क को कौम के बारे में या जो शख्स ये दावा करता है कि वो हाथों की रीडिंग करके आपके मुस्तबिल के हालात आपको बता सकते हैं या तोते के जरिए से फाल निकाल के आपको बता सकते हैं ये सारे काम करने वाले और करवाने वाले काफिर हो जाते हैं और काफिर होने का मतलब है कि उनके पिछले तमाम नेकमाल उनकी तमाम मेहनतें और मशक्क़तें अल्लाह रबुल्ज़त के यहाँ जीरो हो गई हैं हजूर अक्रम सल फरमाते हैं मन का जो किसी इल्म गैब का दावा करने वाले पर, तो पर नाजिल होने वाली शरीय से कुफर का इजहार कर दिया तो ऐसा शख्स काफिर हो गया ये अबू दाऊद की रिवायत है इसी तरह से देखिए अगर कोई अल्लाह का बंदा कुफर से बच जाता है यानी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालता जो उसे काफिर कर दे या किसी ऐसे अमल से बच जाता है कि जिसके ज़रिए से वो काफिर नहीं होता तो शैतान हमारा खुला दुश्मन है वो उसे उकसाता है कि इसके अलावा दीगर कबीरा गुनाहों का अरतिक करे उसे इस बात की दावत देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हराम करदा चीज़ों के बारे में गुफ्तू करें मिसाल के तौर पर मैं और आप बैठ कर यह गुफ्तू करें कि एक औरत मुसलमान औरत के ऊपर हिजाब क्यों फ़र्ज़ किया गया है यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक में गुस्ताखी और बेअदबी है क्योंकि यह कानून अल्लाह तआला ने बनाया है अल्लाह तआला ने औरतों को हुक्म दिया है कि ऐ मोमिनों ऐ मोमिन औरतों अपनी ओढ़नियों को खूब अपने ऊपर और अच्छी तरह से डाल लिया करो या इसी तरह से इस्लाम की मुकर करदा जो सजाएं हैं उनके ऊपर बातचीत होती है तो यह सब गलत है अल्लाह रबुल्जत के हक में गुस्ताखी है क्योंकि मोमिन अल्लाह रबुल्जत के फैसलों पर सर तस्लीम खम करने वाला होता है उन पर डिस्कशन करना नुकताचीनी करना तनकीद करना उनको बुरा भला कहना यह सब अल्लाह रबुल्जत को नापसंद है और फिर अपनी जबान को इससे भी ज्यादा नापसंदीदा

जिससे वो अपने चेहरे को और अपने सीने को छीलता हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाजिर होगा बिल्कुल इसी तरह जैसे दुनिया की जिंदगी में वो अपनी ज़बान से अपने मुसलमान बहन भाइयों की इज्जतों को छीला करता था इसी तरह से हम सब जानते हैं कि हजूर अक्रम स हमें यह सिखाया है किबत करने वाले के कौल को उसकी बात को अगर दुनिया के समंदर में मिला दिया जाए तो सारे समंदर मुर्दार उनसे मुर्दार की बू आने लगेगी हज़रत आयशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सफ़िया के बारे में कोई बात करती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम्हारी जबान से एक लफ्ज़ ऐसा निकला है कि अगर इसे समंदर के पानी में मिला दिया जाए तो समंदर का कुल पानी कड़वा हो जाए यही वजह है कि हमारे साल अपनी ज़बान की बहुत हिफाज़त किया करते थे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नाफ़रमानी में अपनी ज़बान को मुब्तला ना करें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे उम्मीद है कि जब मेरी मौत के बाद अल्लाह ताला से मुलाकात होगी तो मेरा इस बात पर हिसाब किताब नहीं होगा कि मैंने कभी किसी की गिबत की है इसी तरह से एक और बहुत सहूलत के साथ होने वाली नाफ़रमानी चुगली है चुगली करना गर... गीबत केरीब तरीन गुना है यानी गीबत का रिश्तेदार ही है और चुगली की सज़ा हमारी शरीयत में ये बयान की गई है चुगल खोर का एक तिहाई अजाब कब्र चुगली की वजह से होता है और फिर आखिरत में उसकी सजा तजवीज़ की गई है कि ऐसे शख्स को जन्नत से मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया जाएगा आप फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत चुगल खोर कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा इसी तरह से इस्लाम ने इस बात को हराम करार दिया है कि मुसलमान के बारे में उसकी पीठ पीछे बात करते हुए उन बातों का तस्करा किया जाए जो उसके सामने की जाती तो वो नापसंद करता इसी तरह से हमारी शरीयत ने हमें इस मामूली गुनाह से भी रोका है आसानी से होने वाले गुनाह से भी रोका है कि मुसलमान के मुंह पर बैठकर उसके साथ बदजुबानी की जाए उसके सामने और उसे गालियां दी जाए और बुरे अल्फाज से उससे बात की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं सिबाबुल मुस्लिम फसूकुन मुसलमान को गाली देना कुफर के दर्जे पर ले जाता है ऐसा शख्स फासिक हो जाता है और फिर फरमाया वाला अनुहु कत्ल ही और किसी मुसलमान पर लानत करना उसको कत्ल करने के मुतरदफ है इसी तरह से एक और मामूली गुना बहुत आसानी के साथ और बहुत ही कम मुशक्क़्क़्क़्कत के साथ जो हो जाता है वो ये कि अपने भाई को ये कहना अ काफिर अगर कोई शख्स ऐसा कहता है तो हमारी शरीय उसकी ये सजा तजवीज़ करती है कि अगर उसने किसी शख्स को इन अल्फाज से पुकारा अगर तो वो ऐसा है ठीक है वरना कहने वाले की तरफ वो अल्फाज पलट जाते हैं यानी जो कहने वाला है वो खुद कुफ्र के दायरे कार में दाखिल हो जाता है इसी तरह से अगर किसी शख्स ने किसी पाक दामन मुसलमान बहन भाई पर लगाए उसकी इज्जत में कमी की कोशिश की और उसके ऊपर बदकिरदारी के इल्जाम लगाए अल्लाह रब्बुल रबुल्जत दुनिया और आखरत में उस पर लानत भेजते हैं और ऐसे शख्स के लिए बहुत ही बड़ा अजाब है और जिस मुसलमान ने भी अपने किसी मुसलमान का हक मार लिया कसम खा के मिसाल के तौर पर किसी के पैसे रख लिए कसम खा के या मिसाल के तौर पर किसी की इज्जत का हक़ था वो ले लिया या किसी की ज़मीन का टुकड़ा था वो ले लिया या किसी की कोई और चीज़ हथियाली कसम खा के अल्लाह इज्जत ने उसकी सज़ा यह तजवीज़ की है कि ऐसे शख्स के लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है और जन्नत उस पर हराम हो जाती है एक शख्स ने हजूर अक्रम सल वालसम को उठ पुकारा और कहा अल्लाह के रसूल अगरचे वो चीज़ मामूली सी ही क्यों ना हो आप आपने फरमाया चाहे वो तस्मा ही क्यों ना हो यानी जूते का तस्मा ही क्यों ना हो और खा वो एक मिसवाक ही क्यों ना हो तो जो किसी मुसलमान का हक़ बनता है जो उसकी कोई चीज़ है अगर कोई दूसरा मुसलमान अल्लाह की कसम खा कर अल्लाह के नाम की कसम खा कर उसको हथियारता है तो ये उसके लिए सज़ा है कि उसके लिए आग वाजिब हो जाती है और जन्नत उस पर हराम कर दी जाती है खा ये चीज़ मामूली सी ही क्यों ना हो इसी तरह से देखिए हमारी शरीयत हमें यह भी सिखाती है कि जिस शख्स ने अपनी जबान से दूसरे पर लानत भेजी क़यामत वाले दिन वो सिफ़ारिश से महरूम कर दिया जाएगा और उस उसकी गवाही किसी के हक में कबूल नहीं होगी आप सल्सम काीना ला यकून शुहदा बेशक लानत करने वाले क़यामत वाले दिन गवाहों में नहीं होंगे वला शफफ़ाआमयामती और ना वो क़यामत वाले दिन किसी की सिफारिश कर सकेंगे इसी तरह से इज़्ज़त के हक में और की जाने वाली नाफरमानी यह है कि झूठ बोला जाए और इसे हमारी शरीयत ने नफाक की अलामत करार दिया है झूठ बोलने की हमें इजाज़त नहीं है चाहे वो हंसी मजाक में ही क्यों ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तबाही है उस शख्स के लिए जो बात करते हुए इसलिए झूठ बोलता है ताकि इससे दूसरों को हंसए और फिर वो झूठ बोलता है ताकि इससे दूसरों को खुश करे तबाही है ऐसे शख्स के लिए तबाही है ऐसे शख्स के लिए यहाँ अहल इलम का ये कहना है वह तबाही का मतलब जहन्नुम की एक वादी भी है तो उसके लिए जहन्नुम की एक वादी है इसी तरह से देखिए कि जिस शख्स ने यह दावा किया कि उसने अपने ख्वाब में कोई कुछ देखा है हालांकि वह झूठा है उसने ऐसा ख्वाब नहीं देखा क़यामत वाले दिन उसे भी झूठों के जुमरे में शामिल किया जाएगा फिर इसी तरह से एक और मामूली गुनाह जिसे अक्सर हमारे लोग करते रहते हैं और इसकी सज़ा हमारे दीन में बहुत सख्त है कि जिसने अपनी ज़रूरियात के लिए लोगों से कुछ माल मांगा जबकि उसके अपने पास माल मौजूद था तो उसने लालच किया कि अपना माल निकाल कर खर्च ना करे बल्कि दूसरे से हथियाए इसे हथियारा ही कहेंगे चाहे बहाने से चाहे हमदर्दियों के जरिए से तो ऐसा शख्स अपने लिए आग इकट्ठी करता है और जिस शख्स ने किसी कौम की बातें सुनी और वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनकी इन बातों को सुना जाए क़यामत वाले दिन उसके कानों में पिघला हुआ लोहा या सीसा डाला जाएगा इसी तरह से मुसलमान अगर अपनी ज़बान की हिफाजत करता है तो उसके साथ साथ उसे अपने आज़ा की हिफाजत भी करनी होती है तो मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िंदगी का पहला चैलेंज ये है कि हम अपनी ज़बान की हिफाज़त करें क्योंकि हमारे सालहीन कहा करते थे कि बनी आदम से होने वाले गुनाहों सरजद होने वाले गुनाहों को जब शुमार किया गया तो दो तिहाई गुनाह इंसान की जबान से होते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज यह है कि हम अपनी जबान की हिफाजत करें और जबान की हिफाजत करने में जब हम कामयाब हो जाएं, इसको सीख लें तो उसके बाद हमें अपने आज़ा की हिफाजत करनी है कि कहीं हमारे अजा से ऐसे गुनाह सरजद ना हो जाएँ कि जो अल्लाह रबुल्ज़त के गज़ब और उसकी नाराज़गी को दावत देने वाले हों मिसाल के तौर पर देखिए कि एक और गुनाह जो बहुत कम वक्त में हो जाता है मामूली गुना और आसान गुना और उसका उसकी सज़ा हमारी शरीयत में बहुत सख्त है वो है किसी मुसलमान को कत्ल करना और इसके लिए अगर आप देखें सूरत निसा की आयत नंबर 93 थ्री में अल्लाह ताला ने चार से पांच मुतरफ़ यानी पैराल सज़ाओं का तस्करा किया है अल्लाह रबुल्ज़त का है व्यक्त जहन्न और जो कोई किसी मुसलमान को इरादता करता है तो ऐसे शख्स की सजा है कि जहन्न में उसे डाला जाएगा खालिदन फ़ीहा दूसरी सजा यह कि उसमें हमेशा रहेगा व वबाल्ला तीसरी सजा यह है कि वहाँ अल्लाह का ग़ज़ब उस पर नाजिल होगा वना हुआ और अल्लाह तला की लानत व

यानी अल्लाह इज़्ज़त कतन इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि सारे आसमान वाले और सारे ज़मीन वाले ख़त्म हो जाएंगे बल्कि उस एक मोमिन को कत्ल करने के ज़ुमरे में अल्लाह इज़्ज़त इतना ज्यादा गज़बनाक होते हैं कि अल्लाह ताला सब को ओंधे मुँह जहन्नुम में या आग में झोंक देंगे हमें यह भी पता होना चाहिए कि मुसलमान अपने अल्लाह रबुल्ज़त के हाँ कुल कायन से ज्यादा इज्जत रखने वाला है सब ज्यादा मुआज़ज़ मुसलमान है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारी दुनिया को ख़त्म कर देना अल्लाह पर आसान है इस बात के मुकाबले में कि किसी एक मुसलमान को कत्ल कर दिया जाए यही वजह है कि अल्लाह तला ने मुसलमान को कत्ल करने से रोका है क्योंकि अल्लाह ने मुसलमान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कर ली। ही यौम दिन इसे उसी चीज से अजाब दिया जाएगा तो ना किसी के पास ये गुंजाइश है किसी भी साहिब ईमान के पास कि वो किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करे ना ही इस बात की गुंजाइश है कि वो अपने आप को कत्ल करे और इस हवाले से मुसलमान को अल्लाह तला ने मुकम्मल अमनो अमान की गारंटी और जमानत दी है हर वो वसीला जो कत्ल में मददगार साबित हो सकता है अल्लाह तला ने उसको हराम करार दिया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस किसी ने अपने भाई की तरफ लोहे से किसी चीज़ के किस, लोहे की चीज के साथ इशारा किया तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं खा वो उसका अपना सगा भाई ही क्यों ना हो क्योंकि जब लोहे की कोई चीज़ छुरी या कोई औजार पकड़ के किसी की तरफ इशारा करें तो इससे दूसरे शख्स के दिल में खौफ के जज्बात पैदा हो सकते हैं तो दूसरे को इनसिक्योर करने की इजाज़त कतन नहीं है और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों की लानत है एक और मामूली और आसान गुना जो कि बहुत आसानी से हो सकता है लेकिन उसकी सज़ा बहुत सख्त है हमारी शरीयत हमें सिखाती है कि जिस किसी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्त इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकरब हासिल करने वाले इंसान से दुश्मनी पर मबनी रवैया अख्तियार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके लिए अलान जंग है इसी तरह से जना नापसंदीदा अमल है और बहुत ही बदतरीन रास्ता है और बदतरीन गुनाह है और अगर कोई शख्स जना में जो है वह मुबतला होता है तो उसको हजूर अक्रम सल वसम ने भी और अल्लाह तला ने भी सख्त नापसंदीदगी की नज़र से देखा है नंबर बत्तीस में अल्लाह इज़्ज़त का है, काना खुली फहाशी है वसा असबीला और बदतरीन रास्ता है और यह इस कदर बदतरीन अमल है इस कदर अल्लाह बदतरी की नाफरमानी है कि अल्लाह ज़िक्र श और कत्ल के साथ किया है इमाम अहमद रहमत फरमाते हैं अल्लाह के हाँ अजीम तरीन नाफरमानियों में सरे फहर बदतरीन नाफरमानी शिरक है इसके बाद कतल है और फिर जिना है और जैसा कि वो फरमाया करते थे कि बदला अमल जैसा होता है जो शख्स चाहता है कि उसके घर की खातन पाकिजगी इख्तियार करें उसे चाहिए कि वो खुद पाकिजगी इख्तियार करे और अगर वो खुद पाकिजगी इख्तियार नहीं करता तो उसके घर की खातन भी पाकिजगी इख्तियार नहीं करेंगी वो भी इसी तरह के काम करेंगी और जिना में मुबतला होंगी यही वजह है कि अल्लाह तला ने इसको इतना सख्त नापसंद किया कि ऐसा करने वाले के लिए सजा ये तजवीज की कि जिना करने वालों को पत्थरों से संसार कर दिया जाए यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए और ये बहुत ही दर्दनाक सजा है फिर इसी तरह से एक और मामूली गुनाह जो बहुत आसानी के साथ हो जाता है और बड़ी रगबत के साथ भी होता है वो ये है कि सूद का पैसा खाया जाए सूद का माल खाया जाए याद रहे कि थोड़ा सा सूद भी बहुत सारे माल को आलूदा कर देता है नापाक कर देता है और उसकी बरकत को ख़त्म कर देता है और सूद के नतीजे में ऐसा शख्स हमेशा तंग दस्ती का शिकार ही रहता है कभी किसी की सूद लेने वाले या सूद का कारोबार करने वाले या सूद खाने वालों की जाहरी हालत देख कर धोखा ना खाइए अल्लाह इज़्ज़त ने फरमा दिया है कि ऐसा शख्स तंगदस्ती का शिकार ही रहता है क्योंकि उसके माल में से बरकत खत्म हो जाती है अल-बकरा की आयत नंबर टू इज़्ज़त का एरशाद रिबा अल्लाह सूद की जड़ मार देते हैं उसमें नमूव नहीं होती ग्रोथ नहीं होती व और अल्लाह ताला ने लानत भेजी है सूद खाने वाले पर और खाने वाले के साथ अपनी जंग का ऐलान कर दिया है और जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी में जंग का फ़ैसला कर लिया गोया उसने अपनी हलाकत और तबाही और बर्बादी का फ़ैसला कर लिया इसी तरह से देखिए चोरी करना चोरी करना एक ऐसा अमल है कि जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत वाजिब हो जाती है क्योंकि चोर दूसरों के हुकूक हजम करने वाला होता है और चोरी की बहुत सारी शक्लें हैं इसी तरह से देखिए यतीम का माल खाना यतीम का माल खाना अपने पेट में आग भरने के मुतरदफ़ है यह भी वो मामूली गुनाह समझ के किया जाता है और यह नहीं पता कि इसके कॉन्कुनस या नतज कितने सख्त होंगे और जो शख्स लोगों के माल इस नीयत से हथिया ले और ले ले मिसाल के तौर पर उधार ले ले और उसकी नीयत ये हो कि वह इस माल को ज़ाया कर देगा और इसे वापस नहीं करेगा ऐसे शख्स को अल्लाह तला ज़ाया कर देंगे और जिस शख्स ने एक बालिश ज़मीन पर भी नाजायज कब्जा किया वाले दिन उसे सात ज़मीनें नीचे तक धसाया जाएगा और जिस किसी ने दीन में बिदत करने वाले को पनाह दी और उसको सपोर्ट किया उस पर अल्लाह ताला की लानत है और जिस किसी ने अपने माल को रिश्वत के तौर पर इसलिए बाला तक पहुँचाया कि वो ना हक उनसे अपने लिए फायदे वसूल करें तो ऐसा शख्स रिश्वत देने वाला है रिश्वत लेने वाले देने वाले और रिश्वत के सहूलत सहुल, सहूलतार पर अल्लाह रब्बुल रबालत ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल ने लानत की है तीन लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ अल्लाह रब्बुल रबुल्जत क़यामत वाले दिन झगड़ेंगे एक वो शख्स के जिसने अल्लाह रबुल्जत के नाम पर कुछ लिया दिया और फिर अपनी बात से मुकर गया या अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया और वो शख्स जिसने किसी आज़ाद आदमी का सौदा करके उसकी कीमत खा ली और वो शख्स के जिसने किसी मज़दूर से काम करवाया और उससे काम तो पूरा लिया लेकिन उसकी मज़दूरी पूरी नहीं दी इसी तरह से जिस किसी ने शराब पिया चालीस दिन तक उसकी नमाज कबूलना होगी और जन्नत में वो जन्नत के शराब से महरूम कर दिया जाएगा बल्कि उसकी सज़ा ये होगी कि अल्लाह तला उसे ज़ख्मियों के पीप और खून पिलाएंगे और ये इन नाफ़रमानों के खून को पिएगा लिबास रबुल्ज़त की नेमतों में से एक नेमत है और अगर कोई शख्स अल्लाह रबुल्ज़त के लिबास के हवाले से नाफरमानी करता है मिसाल के तौर पर मुख्तसर लिबास का पहनना मिसाल के तौर पर जैसे आजकल मुसलमान खवतान ऐसा लिबास पहनती हैं कि जिससे उनका जिस्म झलकता है इसी तरह से मिसाल के तौर पर यह सब अल्लाह रब्बुल रबुल्ज के लिबास के हवाले से नाफरमानिया है और इसी तरह से लिबास को लटकाना इस नीयत से कि किससे फख्र और तकबुर का इजहार हो ऐसे शख्स के बारे में हजूर अक्रम सलसम फरमाते हैं तीन शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तला क्यामत वाले दिन ना तो बात करेंगे ना उनकी तरफ देखेंगे ना उनको पाकिजा करेंगे यानी उनको उनका हिसाब किताब और मामला लटके रहेंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है एक वो शख्स जिसने अपने लिबास को फखर से लटकाया और वह शख्स जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक कर उनको जताता है और वो शख्स के जो अपने सौदे को झूठी कस्मों के जरिए से बेचता है इसी तरह से खुवान अगर अपनी जेबो जीनत में अल्लाह रबुल्ज़त की दा हदूद का ख्याल नहीं रखती मिसाल के तौर पर यह आईब्रोज के बाल निकालती हैं और इसके बारे में हजूर अक्रम फरमाते हैं जिस किसी ने यह बाल निकाले ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी या इसी तरह से अपने बालों में नकली बाल मिलाए जैसे कि विग लगाई जाती है या एकस्टेंश, हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बालों को हेल्दी दिखाया जा सके जबकि वो उनकी असल लुक नहीं है या इसी तरह से बाल निकालना या जिसने

की अतात गुज़ारी और फर्मा बरदारी बीवी पर फ़र्ज़ की है जब वो उसे अपने बिस्तर पर बुलाए तो बीवी को चाहिए कि वो उसी वक्त पहुंच जाए और अगर वो इनकार कर देती है तो अल्लाह के फरिश्ते सुबह तक उस पर लानत करते रहते हैं और अदलो इंसाफ को अल्लाह ने घरों में रहमत और आपस में मोहब्बत बढ़ाने का जरिया बनाया है यही वजह है कि हजूर अक्रम सल फरमाते हैं जिस शख्स की दो बीवियां हुई फिर वो एक की तरफ झुक गया और दूसरी के साथ साथ नासाफी करता रहा वो क्यामत वाले दिन इस तरह हासिर किया जाएगा कि उसके जिसम का एक धड़ गिरा हुआ होगा इसी तरह से अगर कोई मुसलमान मर्द किसी मुसलमान औरत के साथ तन्हाई में बैठता है तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है मिसाल के तौर पर और यह भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी है जैसा कि हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि अगर कोई मर्द सुपरवाइजर अपनी तालिबा के साथ थीसिस के हवाले से तन्हाई में बैठता है तो यकीनन शैतान को अपना काम करने का मौका मिलेगा इसी तरह से अगर एक मुसलमान खातून एक मुसलमान डॉक्टर के पास तन्हाई में बैठती हैं तो यह भी इंतहाई खतरनाक है और अल्लाह ताला की ना फरमानी है फिर जिसने कतमी की रिश्तेदारों के अल्लाह उसको होती है, तो अल्ला की का ऐसा इंसान मुस्तक ठहरता है मिसाल के तौर पर किसी नमाज पढ़ने वाले के आगे से गुजरना इसके बारे में हजूर अक्रमल वाल फरमाते हैं अगर उसे पता चल जाए कि इसकी सजा कितनी सख्त है, तो ऐसा शख्स 40 दिन या 40 साल खड़ा रहने को प्रेफर करे बजाय इसके कि वो नमाज पढ़ने वालों के आगे से गुजरे इसी तरह से अल्लाह रब्बुल रबुलाज़त की एक और नाफरमानी यह है कि अगर कोई शख्स इमाम से सबकत ले जाने की कोशिश करे यानी इमाम से पहले ही तकबीर कह के तकबीर की हालत में क़याम में चला जाए इमाम से पहले रुकू कर डाले इमाम से पहले सजदा कर दे तो अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त उसके सर को गधे जैसा सर बना देंगे या उसकी शक्लो सूरत को गदे जैसी बना देंगे इसी तरह हजूर अक्रम सलसम ने नमाज के दौरान निगाहों को बुलंद करने से रोका है और फरमाया कि ऐसा करने वालों की मुमकिन है कि आंखें ही अल्लाह ताला उचक लें यानी उन्हें निगाह से महरूम कर दें मुसलमान चाहे जिंदा है या चाहे उसकी मौत वाकई हो जाती है हर दो हालतों में अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत अता की है लिहाजा किसी मुर्दा की हड्डी को तोड़ना ऐसा ही है कि जैसे किसी जिंदा इंसान की हड्डी को या जिस्म को नुकसान पहुंचाना इसी तरह से किसी मैत की कब्र पर बैठना मुसलमान की बेइज्जती और उसकी इहानत के जुमरे में आता है आप वाल्सम फरमाते हैं तुम में से अगर कोई शख्स कबर पर बैठे तो इससे कहीं बेहतर है कि वो किसी अंगारे पर बैठ जाता जो उसके कपड़ों को जला देता और उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाता क्योंकि मुसलमान की कबर पर बैठने का अजाब अल्लाह ताला के यहाँ बहुत सख्त है इसी तरह से जब कोई मुसलमान कमल करता है तो शैतान इस कोशिश में लग जाता है कि उसके नए कमल को उसके दिल में रियाकारी का ख्याल डालकर तबाह कर दे या शोहरत का ख्याल डालकर तबाह कर दे या दुनिया का कोई मकसद उसके सामने ले आता है और अगर कोई शख्स इन वजूहत के बिना पर नेक नकाम करता है यानी लोगों को दिखाने के लिए करता है शोहरत के लिए करता है या दुनिया के इरादे के लिए करता है तो ऐसे शख्स ने गोया अपने सारे आमाल ज़ाया कर दिए इसी तरह से एक और बड़ी अहम और ख़तरनाक बात और चैलेंज हमारी ज़िंदगी का यह है कि हम इस बात को चेक करते रहें कि हमारे दिल में किस तरह की बिलीफ़ या अक़ायद या नज़रियात पाए जाते हैं और अगर वो हमारे दिल में पाए जाते हैं और हमारी शरीयत मुनाफी हैं अल्लाह ताला के हां नापसंदीदा हैं। अगरचे हम उन पर अमल नहीं करते फिर भी उसकी सजा बहुत सख्त है मिसाल के तौर पर जिस किसी ने अपने दिल में ये ख्याल रखा ये अकीदा या ये बिलीफ रखा कि अल्लाह के अलावा कुछ और हस्तियाँ भी ऐसी हैं जो उसे फ़ायदा और नुकसान पहुँचा सकती हैं या अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त के अस्मा यानी नामों में किसी किस्म की तब्दीलियाँ कें या उसके सिफात के कोई और मानी निकाले तो ऐसा शख्स भी काफिर है इसी तरह से मुनाफत की अलामत यह है कि अनसार से बोग रखा जाए और अनसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है

बेहतर हूं या मैं फला से बेहतर हूं माल की वजह से लिबास की वजह से यह भी आखिरत में सजा का बायस बनेगा क्योंकि यह ख्याल या ये नज़रिया जो किसी के दिल में है कि मैं सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास माल ज़्यादा है मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ क्योंकि मेरा लिबास ज़्यादा अच्छा है ये ख्याल भी एक मुसलमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के रास्ते पर और सख्त सज़ा के रास्ते पर लेके जाता है आप सल्हसम ने फ़रमाया कि एक शख्स अपना लिबास पहन के बड़ा इतरा के चल रहा था और वो समझ रहा था कि वो बहुत ही अक्लमंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़मीन में धसा दिया अब वो तक जमीन में धसा जा रहा है इसी तरह से हसद अल्लाह ताला की वह नाफरमानी है वो मामूली हल्का फुल्का गुना है जो बहुत तेजी के साथ बड़ी आसानी के साथ और कम मुशक्त के साथ हो जाता है लेकिन हसद के नतीजे में दिल अंधेरा हो जाता है हासिद की तमाम नेकियां तबाह हो जाती हैं और तकबर करना अल्लाह रब्बुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की खसाइश या सिफ़ात है जो कोई के ब्रियाई का इजहार करता है वो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत में उसका शरीक बनने की कोशिश करता है और जिस किसी ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में तकब्बुर का मुजाहरा किया अल्लाह तआला ने उसको जलील और रसवा करके रख दिया फ़िरौन ने कहा अनबल आला आई एम योर सुपीरियर लॉर्ड अल्लाह तआला ने उसको पानी में गर्क कर दिया और जिस किसी ने अल्लाह की मखलूक के मुकाबले में तकबर का मुजाहरा किया अल्लाह ने उसको भी हलाक और तबाह और रसुवा करके रख दिया आद की जो कौम थी वो अपनी कुत पर बड़ी नाजा थी जैसे आज का इंसान अपने अपनी तरक्की पर बहुत नाजा हुआ तो अल्लाह तला ने एक वायरस के जरिए सब का फख्र और तकबर खाक में मिला दिया तो कौम आद अपनी क़वत को देख कर इतराते हुए कहा करती मन अशदन्नावत हम से ज्यादा ताकतवर कोई कौम नहीं है सूरह फुसलत की आयत नंबर पंद्रह देखिए तो अल्लाह तला ने उनको हवाओं से तबाह कर दिया इस सारी बहस से हम यह नतीजा खस करते हैं कि एक मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका दीन है इस दीन की वजह से उसे दुनिया में भी खैर बरकत अता होनी है और इस दीन की वजह से उसे आखरत की बरकतें भी अता होंगी और ये हमारी सबसे पहली नीड है अगर एक शख्स की एक इंसान की जरूरियात की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे पहली जरूरत दीनदारी होती है अल्लाह रबुल्जत के अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं कि जो हमारी जरूरियात को पूरा कर सके लिहाजा हमारे ऊपर यह फर्ज आए होता है कि हम सबसे पहले नंबर पर अपनी जबान की हिफाजत करें उसके बाद अपने आज़ा की हिफाजत करें और उसके बाद हमारे दिल में जो ख्यालात पाए जाते हैं उनकी छांटी करें ना तो हमारी से कोई ऐसा अमल होना चाहिए कि जो अल्लाह ताला को नाराज कर दे ना ही एजाज से किसी ऐसी नाफरमानी और गुनाह की गुंजाइश है कि जिसके नतीजे में आख़रत में शदीद तरीन सज़ाएँ हमारा मुकद्दर बने ना ही इस बात की हमारे पास गुंजाइश है कि हमारे दिल में कोई ऐसे ख्याल या नजरियात पाए जाए जो अल्लाह तला को पसंद नहीं है और उसके नती नीजे में हम आख़रत और दुनिया में शदीद तरीन गज़ब और शद तरीन सजाएँ भुगतते रहें तो अल्लाह रब्ज़त हम सब को तोफ़ी कता फ़रमाएं कि हम अपने दीन को सीखें और अल्लाह रबुल्ज़त की नाफ़रमानियों से अपनी जान को छुड़ाएँ और अल्लाह रब्ज़त की फरमा बरदारी का रास्ता इख्तियार करें और फिर दूसरों के साथ इस अवेयरनेस को भी शेयर करें سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك